केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। ओपीएस का मतलब है ओल्ड पेंशन स्कीम। दिसंबर 2003 तक पेंशन के लिए ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाई गई। अब सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना शुरू कर रही है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। 24 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने इसकी जानकारी दी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% पेंशन दिया जाएगा। मान लीजिए रिटायरमेंट से पहले अगर किसी की औसत सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे 25,000 पेंशन मिलेगी। सैलरी की 50% पेंशन उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने कम से कम 25 साल नौकरी की हो। जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की है उन्हें कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर उनकी बेसिक पे यानी सैलरी से कोई मतलब नहीं होगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसे मिलने वाली पेंशन का 60% पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार को डियरनेस रिलीफ यानी डीए भी मिलेगा। पेंशन के अलावा सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लमसम अमाउंट भी देगी। लमसम अमाउंट का मतलब है कर्मचारी की कुल सैलरी और डीए का 10% पैसा। यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिनकी संख्या 23 लाख है। राज्य चाहे तो इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाना जरूरी नहीं है, वे पुरानी एनपीएस स्कीम के तहत भी अपनी पेंशन लेते रह सकते हैं। और एनपीएस के अंतर को समझिए। ओपीएस में कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारी को अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ और 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी। इसकी वजह से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। वहीं ओपीएस को खत्म करके लागू की गई एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारी की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास से उसके फंड में जमा करती जाती है। इस फंड का 60% पैसा कर्मचारी कभी भी निकाल सकते हैं, बाकी का 40% पैसा एन्युटी यानी सालाना तौर पर निवेश किया जाता है, जो भविष्य में बढ़ या घट भी सकता है। फंड में बचा ये पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता रहता है। एनपीएस का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें पेंशन की रकम तय नहीं है और शेयर मार्केट पर निर्भर होने के चलते पेंशन में घाटा भी हो सकता है। इसलिए एनपीएस की जगह दोबारा ओपीएस लागू करने की मांग की गई। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी को सैलरी से 10% पैसा कटवाना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस की तरह मिलने वाली पेंशन को सैलरी का 50% तय कर दिया गया है। हालांकि ग्रेच्युटी की सीमा को लेकर अभी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है।